की है, जिसको कार से निकलकर जंगल की ओर भागने लगे। और तभी उन्हें भागते हुए देख कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और वह लोग जॉर्ज और उसके पिता के पीछे भागने लगे। भागते समय जॉर्ज के पिता को एक गोली लगी जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। उसके पिता ने कहा, तुम भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन जॉर्ज ने भागने से मना कर दिया और कुछ देर बाद जॉर्ज के पिता को एक और गोली लगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जॉर्ज भागने में सफल रहा। जब वह अपने घर पहुंचा तो वहां पुलिस थी जो उसे गिरफ्तार करने आई थी। उस समय जॉर्ज को कुछ ना समझ आया और पुलिस उसे ले गई। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो सिपाही उसे ठीक करने लगे। उसी समय जॉर्ज वहां से भाग निकला और पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई। कई साल हो गए लेकिन जॉर्ज का अता पता नहीं। करीब 6 साल बाद एक हत्या सामने आती है जो कि उस वही इंसान था जिसमें जॉर्ज के पिता काम किया करते थे। अब जॉर्ज एक आतंकी बन गया था, लेकिन अभी पुलिस को यह नहीं पता था। जॉर्ज एक एक करके अपने पिता के कातिलों को मौत के घाट उतार देता है। अब बस उसे एक आखिरी कातिल को मारना है, लेकिन उसके सारे साथी पकड़े जाते हैं। लेकिन जॉर्ज बचकर भाग जाता है। रास्ते में जाते समय जॉर्ज को एक इंसान मिलता है जो कि बहुत ही भूखा होता है। जॉर्ज से आखिरी खाने का पैकेट निकाल कर दे देता है और वह वहां से चला जाता है। जॉर्ज उस आखिरी आदमी को मारने के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। अब जॉर्ज को कल कोर्ट में पेश करना जॉर्ज को कोर्ट में लाया गया, जहां उसके सामने कुछ आतंकियों को भी लाया गया और उनसे पूछा गया, क्या तुम इसके साथी हो? पुलिस की पिटाई के बाद भी उनके दोस्तों ने जॉर्ज को पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जॉर्ज को एक आतंकी समझा जाए। और इसी के साथ जॉर्ज को 3 साल की जेल हुई। जेल से छूटने के बाद जॉर्ज को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जॉर्ज ने हार नहीं मानी और उसने ऊर्जा का एक नया स्रोत दोबारा बना लिया और आज वह एक सफल इंसान है। ये जॉर्ज का यूं बदलना उस आदमी की बातों का ही असर लगता है, क्योंकि जॉर्ज के दिल में तब भी अच्छाई मौजूद थी और वह जॉर्ज का वह दोस्त जिसे कोर्ट में सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वह दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था और बचपन में उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसने जॉर्ज के साथ ऐसा नहीं होने दिया।